नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल में। दरअसल बलरामपुर में सरकारी विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पिंडरा का है, जहां तकरीबन 2 साल पहले 14 लाख रुपए की राशि से संस्कृति भवन का निर्माण किया गया था। क्षेत्र के जनपद सदस्य ने इस काम को कराया, लेकिन उसने दबंगई कर सरकारी भवन का निर्माण एक ग्रामीण की निजी जमीन पर करा दिया। भवन निर्माण के समय पूरे गांव ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। और इधर तहसील से कागजात नहीं निकलने के चलते जमीन मालिक भी कोई आपत्ति नहीं लगा सका है। वहीं कुछ ही महीनों बाद सरकारी जमीन पर संस्कृति भवन का निर्माण करा दिया गया, लेकिन जिस जमीन पर पहले भवन बना था, अब उस पर जमीन मालिक शंभू सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ कब्जा कर लिया है। और उसके मुताबिक जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा, और जब वो अपना घर नहीं छोड़ेगा। इधर भवन को मुक्त कराने के लिए जनपद पंचायत के अधिकारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वहीं जनपद पंचायत के सीओ का कहना है कि शंभू सिंह ने गलत तरीके से उस भवन पर कब्जा कर लिया है और उसके सारे दस्तावेज अवैध हैं। जनपद सीओ के मुताबिक परिवार को भवन से बेदखल करने के लिए उन्होंने तहसीलदार से बातचीत करी थी और वो उसे जल्द खाली करा देंगे। वहीं शंभू का कहना है कि उसके पास जमीन के सारे कागजात हैं, फिर भी उसे जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। साफ किया, परंतु ये कहा है शंभू सिंह के नाम पे जमीन है, तो शंभू सिंह ही रहते हैं यहाँ, दूसरा कोई नहीं रहता है, शंभू सिंह ही रहते हैं। उनका बाप तक का नाम है रिकॉर्ड, इसीलिए उनको निवास दिया गया है कि भाई आपका नाम पे जमीन है तो आपके नाम पे चाहे जो भी बिल्डिंग बने तो आपका ही है। जिस समय बन रहा था उस समय पूरा गांव मिल के विरोध किए थे, लेकिन ये नहीं माने, ये जबरदस्ती बना दिए, अपना दबंगई दिखाए। उस समय कागज हम लोग का नहीं निकल रहा था, हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। और ये भवन जो है जत्रो ग्राम के लिए पास करवाए थे, इसको जत्रो ग्राम में बनना था। 563 नंबर का भूमि है जत्रो में इसका। एक ग्रामीण व्यक्ति शंभू सिंह का यह कहना कि यह मेरे जमीन पर बना है और मैं इसमें इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहकर वह अनधिकृत रूप से उस भवन में रहना प्रारंभ कर दिया है। इस हेतु उसके बेदखली के लिए हम लोगों ने तहसीलदार बलरामपुर को पत्र लिखा है और उसकी बेदखली की कार्रवाई की जा। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार सुनील पासवान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जैसा कि सरकारी विभाग की लापरवाही उजागर हुई है और कहा जाए तो इस तरीके से दबंगई देखने को मिली है, जहां सरकारी निर्माण तो कराया जा रहा है लेकिन वो भी निजी जमीन पर, इस पर पीड़ित किसान का क्या कुछ कहना है और दूसरी तरफ विभाग की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है? जी, मैं बता दूं कि शंभू सिंह का उन्होंने सारी कागज सामने दिखाया है और जमीन उन्हीं के नाम पे है, पुरानी जमीन है। सारा कागज जिस समय वहाँ पास बिल्डिंग बन रही थी उन्होंने काफी विरोध किया था, लेकिन दबंगई दिखाते हुए वहाँ काम को नहीं रोका गया, काम कंप्लीट कर लिया गया। जब इन्होंने शंभू सिंह ने सारी कागज इकट्ठा कर लिया तब इसके बाद उन्होंने उस घर को कब्जा कर लिया अपने और उसमें रहना सभी दो भाई और पिता के साथ में रह रहे हैं। और वहीं पास विभाग का कहना है कि हमने जबरदस्ती नहीं बनाया, उनके पास कागज नहीं है, जबकि शंभू सिंह के पास सारी कागज है और कमिश्नर कोर्ट में इसका अपील भी किया है। जी सुनील, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन से जुड़ गए हैं सीईओ साहब प्रमोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद सिंह जी, जैसा कि सरकारी विभाग की तरफ से लापरवाही उजागर हुई है, किसान को लगातार परेशान किया जा रहा है, उसकी निजी जमीन है लेकिन उसके बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके निर्माण कराया जा रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही उजागर हो जाने के बाद में आपके संज्ञान में तो बात होगी ही, किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो पाएगी? प्रमोद जी, बताना चाहूंगा मैम कि उसकी यह निजी भूमि नहीं है। यदि निजी भूमि होती तो वह जिस दिन उसका प्लिंथ खुदाया, नींव जिस दिन खुदाई हुई उसी दिन वो तहसीलदार कार्यालय में या राजस्व एसडीएम राजस्व के न्यायालय में वो अपील करता और नियमानुसार जो है वह स्थगन आदेश लेता।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने भवन बन जाने का इंतजार किया। भवन जब बनकर पूर्ण हो गया तो वह बताना शुरू किया कि यह मेरा जमीन है। ऐसा कुछ नहीं है, वह शासकीय भूमि है और वह व्यक्ति जो है अनधिकृत रूप से उस आवास में निवास कर रहा है जी। और मैं आपको बता दूं कि इसके पास कोई वैध, जिस समय भवन निर्माण हो रहा था उस समय कोई वैध अभिलेख इसके पास होता तो वह न्यायालय जाता। कोई भवन एक दिन में तो नहीं बनता है, साल भर 15 महीने में भवन बना, उस तक वह शांत रहा, स्थगन आदेश तो उसको मिल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वह जबरदस्ती निवास कर रहा है उसमें। प्रभु जी, लेकिन जो खुद किसान है जिसकी जमीन बताया जा रहा है, उसने कहा है कि जनपद सदस्यों द्वारा जमकर दबंगई दिखाई जा रही है, मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की जा रही है, और दूसरी तरफ किसान जमीन खाली करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में क्या आपने खुद उस किसान से बातचीत करने की कोशिश की, या फिर सिर्फ आपसे नीचे जो अधिकारी है उनकी ही कहा सुनी के चलते ही पूरी कार्रवाई की जा रही है? और अगर एक तरह का ये कार्रवाई तो ये गलत है। नहीं, मैं आपको एक बात पुनः विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि मैं किसान से भी बात किया हूं, और जनपद सदस्य की दबंगई की बात वह करते हैं तो यह सरासर वह गलत बोल रहे हैं। किसी तरह का कोई दबंगई नहीं हुआ है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय भवन निर्माण हो रहा था वह व्यक्ति खुद उस भवन में काम किया है, मजदूर के रूप में काम किया है, भूमि पूजन में साथ रहा है, तो ऐसे में कैसे कहना उचित है उसका कि प्रशासन ने दबंगई किया या प्रशासन उसका जमीन जबरदस्ती अधिकृत किया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमोद जी, लेकिन जो किसान प्रमाण देने की भी बात कर रहा है तो क्या उससे प्रमाण पत्र लेने की कोशिश की गई, या कोई ऐसा सबूत जमीन को लेकर के जिसे आप लोगों ने उससे चेकआउट करने की कोशिश की हो? उसके पास कोई वैध अभिलेख नहीं है मैम। यदि वैध अभिलेख होता तो उस किसान को हम क्यों परेशान करते? प्रमोद जी, अगर आपका दावा है कि किसान गलत कह रहा है और इसकी जमीन है ही नहीं, तो हमारे साथ स्वराज संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि जी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या वाकई में किसान की पूरी जमीन नहीं है। जी, सुनील, बिल्कुल। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, एक बार विस्तार से प्रमोद जी को बताइए, पूरी खबर को विस्तार से बताइएगा। इनका कहना है कि किसान की वो जमीन है ही नहीं, लेकिन आपने उस पूरी खबर को का जायजा लिया है, पूरी खबर को कैप्चर किया है, क्या कह रहा है किसान? किसान का कहना है, शंभु सिंह का कहना है कि हमारे पूर्वज का जमीन है और जिस समय भवन का निर्माण करने जा रहे थे तो उस समय हमने काफी विरोध किया, लेकिन एक भी हमारी बात को नहीं सुने। जबकि उस समय हमारे पास पूरा कागज कंप्लीट नहीं था, हमने विभाग से कागज नहीं निकलवाने पाया था, तहसील से नहीं निकलवाने पाया था। जब हमारे पास अब की स्थिति में हमारे पास पूरी कागज है तो हम तो अपना जमीन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज की जमीन है। अच्छा, तो कुल मिलाकर अब कागजात हैं और अब किसान छोड़ने को तैयार नहीं है जमीन? जी, अब अभी किसान उस जमीन को, जी किसान अब उस जमीन घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है कि हमारे पूर्वज का जमीन है, हमारे पास सारा कागज है, हम किसी भी हालत में जमीन को घर को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है प्रमोद जी, सुन रहे हैं आप, किसान का कहना है कि उस वक्त मेरे पास कागजात नहीं थे लेकिन अब मेरे पास पूरे कागजात हैं और मैं किसी भी सूरत में उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रमोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर किसान का साफ तौर पर कहना है कि अब उसके पास पूरे कागजात हैं, लिहाजा वो किसी भी सूरत में अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। वही विभाग का कहना है कि किसान के पास इस तरीके का कागजात नहीं है और मनमानी नहीं चलेगी, जो विभागीय कार्रवाई, जो सरकारी कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए उसी तरीके से कार्रवाई होगी, लिहाजा सरकारी निर्माण भी वहां पर होगा।